नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं विप्लव कुमार। आपको बता दूं कि गया के सांसद व जदयू के कदावर नेता विजय मांझी को राष्ट्रीय महासचिव जदयू पार्टी की ओर से बनाया गया है। इस मौके पर गया के जदयू कार्यालय में जदयू जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा के नेतृत्व में उन्हें मिठाई खिलाकर सम्मानित करके उन्हें बधाई दी जा रही है। इस मौके पर गया के सांसद क्या कहा है, जरा अभी सुने। पार्टी में जो हमको बनाया गया है और जो भी नॉमिनेट हम लोग को किया गया है सभी लोग को, तो हम लोग सबको काम करना, पार्टी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, काम करना है, और जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसको हम लोग अच्छा से पालन करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम। इसके साथ ही प्रदेश के कई सक्रिय सदस्यों की नया जिम्मेवारी दी गई है। आइए जरा जानते हैं क्या उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है, जरा अभी देखें। देखिए, आज गया जिला जनता दल यू कार्यालय में जनता दल यू के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी गया जिला से माननीय सांसद प्रिय सांसद विजय मांझी जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, उनको और प्रदेश गया जिला के 9 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है प्रदेश पदाधिकारी में, उन सभी प्रदेश के पदाधिकारियों का आज हम लोग स्वागत समारोह जनता दल यू कार्यालय में रखे थे। और साथ ही साथ जो हमारे 19 प्रखंडों में निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष हुए थे और 5 प्रखंडों में अभी प्रदेश द्वारा अनुमोदित 5 प्रखंडों में जो प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किए गए, उन 2400 प्रखंड अध्यक्ष जी को भी आज हम लोग पार्टी कार्यालय में उनका स्वागत और अभिनंदन करने का ये कार्यक्रम रखा गया था। और साथ ही साथ ये बैठक मुख्य रूप से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती के अवसर पर जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 13 तारीख की संध्या को दीप प्रज्वलित करना है हर एक पंचायत में, और 14 तारीख को धूमधाम से जयंती मनानी है, और भीम संवाद और भीम चौपाल कार्यक्रम के तहत हर एक पंचायत के दलित महादलित टोले में जाकर के हमारे जो पंचायत अध्यक्ष प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में सभी जगह पे घरों पर स्टिकर्स साटने का काम कर रहे हैं, हेडबिल बांटने का काम कर रहे हैं, और ये लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी और जो उनकी सोच थी, उनकी विचारधारा और उनकी सोच को सरकार में आने के बाद किसी नेता ने अगर 100% पूरा करने का काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम बिहार के विकास पुरुष, विश्वास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम आता है। जो भी उनकी विचारधारा हो, हम जो सबसे पिछला पंक्ति में बैठा हुआ है उसको हम कैसे मुखधारा से जोड़ने का काम करें, कैसे हम उन आरक्षण दे करके उन्हें राजनीति की मुखधारा से जोड़ने का काम करें, कैसे हम योजना लाएं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में मुखधारा से जोड़ करके वो शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, वो तमाम काम, मतलब काम की मैं अगर गिनती करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी के कार्यों का कि जो जनहित के लिए जो उन्होंने काम किया है, आम आवाम के विकास के लिए जो काम किया है, तो मैं समझता हूं कि समय कम पड़ जाएगा। विप्लव कुमार, एक न्यूज 24, गया।